आज से शुरू हुए T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के मुकाबले अमेरिका और साउथ अफ्रीका के मैच से हुई शुरुआत। अफगानिस्तान के खिलाफ अपना पहला सुपर 8 का मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। बारबाडोस के मैदान में शाम 8 बजे शुरू होगा मैच। T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद केन विलियमसन ने छोड़ी T20 और वनडे की कप्तानी, बोर्ड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ठुकराया। कप्तानी छोड़ने के बाद तीनों फॉर्मेट खेलते रहेंगे विलियमसन, बोले अब परिवार को भी समय देने का समय। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन ने भी छोड़ा नेशनल कॉन्ट्रैक्ट, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दी जानकारी। सुपर 8 के मुकाबलों से पहले बोले सूर्य कुमार यादव, नंबर 1 खिलाड़ी के तौर पर अलग अलग परिस्थितियों में खेलना आना चाहिए। ICC ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज तंजीम हसन पर मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया। नेपाल के खिलाफ मुकाबले में कप्तान के साथ हुआ था विवाद। वेस्टइंडीज के दिग्गज सर वेस्ले हॉल से मिले विराट कोहली, सर वेस्ले के तोहफे के तौर पर विराट को अपनी किताब दी। T20 वर्ल्ड कप पर बोले ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग, साउथ अफ्रीका मेरी फेवरेट टीम, लेकिन नेपाल और अमेरिका ने भी प्रदर्शन से चौंकाया। भारत के सुपर 8 के मुकाबले में पहले पूर्व कोच लालचंद्र राजपूत का बड़ा बयान, बोले टीम इंडिया के लिए आसान नहीं होगा मुकाबला, अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हराया है। ICC की ताजा T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में हुआ बड़ा उलटफेर, ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टाइलिन बने दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर। रैंकिंग में मोहम्मद नबी टॉप ने सीधा नंबर 3 पोजीशन पर आए। हार्दिक पांड्या को एक स्थान का फायदा, 8वें से खिसककर 7वें स्थान पर पहुंचे। T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को बड़ा फायदा, 5 स्थान की छलांग लगाकर सीधा 5वें नंबर पर पहुंचे हेड। T20 वर्ल्ड कप में खराब फॉर्म में चल रहे विराट कोहली पर आकाश चोपड़ा को भरोसा, बोले सुपर 8 में अफगानिस्तान के खिलाफ पुराने रंग में लौट आएंगे कोहली। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने की भविष्यवाणी, T20 वर्ल्ड कप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में सेमीफाइनल का दावेदार बताया। भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीम के दूसरे वनडे में भारत के लिए अनुरुति रेड्डी ने किया डेब्यू, 3 साल बाद इंटरनेशनल मैच खेलने उतरी थी रेड्डी। पेरिस ओलंपिक से पहले नीरज चोपड़ा ने किया कमाल, फिनलैंड में आयोजित पावो नूमी गेम्स में जीता गोल्ड। फाइनल में नीरज चोपड़ा ने 85.97 मीटर का थ्रो किया, फिनलैंड के खिलाड़ी ने 84.19 मीटर थ्रो करके सिल्वर जीता। भारतीय गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, अपना पहला ओलंपिक खेलेंगे गगनजीत। फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने भारत में व्यापार बंद करने का बड़ा ऐलान किया, दिल्ली, मुंबई, पुणे और बेंगलुरु में 1 जुलाई से बंद कर देगा अपनी सारी अकेडमी।